छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कमरोद पर आंचल महिला सशक्तिकरण संस्था द्वारा मुफ्त सैनिटरी पैड बैंक की स्थापना की गई है, जो कि बच्चियों को मासिक धर्म के समय मुफ्त में पेड देगा और यह बच्चियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पेड वाली जीजी के नाम से मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता कविता गेंद्रे ने कहा है कि यह आयोजन मासिक धर्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है और इसे अब तक का सबसे सुंदर प्रयोग मानती हैं। वे कहती हैं कि इससे बच्चियों में काफी जागरूकता आएगी। विद्यालय की छात्राओं का कहना है कि अब हम लड़कियों को बहाना करके घर जाना नहीं पड़ेगा, इमरजेंसी में मुफ्त ही स्कूल में पैड मिल जाएगा और किसी बात की हिचकिचाहट भी नहीं होगी। अधिकतर लड़कियां महावारी के समय कपड़े का उपयोग करती हैं और केवल 32% लड़कियां सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल कर पाती हैं। ऐसे में सुरक्षित और स्वच्छ तरीकों का बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में सैनिटरी पैड बैंक की स्थापना मिसाल कायम करेगी। हम बच्चियों के लिए और विशेष रूप से जैसे हायर सेकेंडरी की बच्चियां, इनको इनकी बहुत अधिक ज़रूरत रहती है। बच्चियां आती है स्कूल और अगर उस तरह से अगर परिस्थिति बन जाती है तो उनको छुट्टी लेकर घर जाना पड़ता है, तो यहां पेड बैंक की स्थापना हो गई तो उन बच्चियों को अब घर जाना नहीं पड़ेगा। यहां उनको पेड प्रदान की जाएगी और वो पूरे विद्यालयीन समय तक अध्ययन कार्य कर सकते हैं। माताओं के द्वारा भी पेड दी जा रही है कि सरपंच महोदया के द्वारा भी पेड प्रदान की गई है और आगे भी हम लोगों के द्वारा या और भी इसी तरह से प्रबुद्ध जनों के द्वारा हम दान में पेड लेते रहेंगे और बच्चों को निःशुल्क दी जाती रहेगी। ये पैड बैंक की स्थापना हम लड़कियों के लिए बहुत अच्छा हुआ। हमें मतलब किसी किसी कारणवश ऐसा होता था कि हमें क्लास मिस करके अपने घर जाना पड़ता था और अपनी सब्जेक्ट जो पढ़ाई चल रही होती थी उसे छोड़ना पड़ता था। पैड बैंक के कारण हम अपनी पढ़ाई निरंतर कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसे हमें मुफ्त में दिया जा रहा है और ये दानदाता लोग दे रहे हैं। मीनू साहू की रिपोर्ट।